हेलो पॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमटीवी हसल से। तो जैसे कि कल 6 कंटेस्टेंट्स रिवील हुए थे एमटीवी हसल से, तो 6 और आज रिवील हो चुके हैं, जिसमें है सुजल, फो म्यूजिक, सेंस, अजितेश, मैट रैप और डॉटम। तो आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा बताना जरा। खैर, कल के एपिसोड से एक कॉन्ट्रोवर्सी अभी स्टार्ट हो गई है। तो 99 साइड का जो परफॉर्मेंस था वो काफी पसंद आ रहा है लोगों को, जिसमें उन्होंने कुछ शॉर्ट्स भी लिए थे एमसी स्टैन के ऊपर। शेमड़े वाली कुछ लाइंस थी जिसमें वो एमसी स्टैन को डिस कर देता है, तो इस चीज को लेकर अभी डीएचएस में काफी डिस्कशंस चल रहा है। इसके अलावा हसल से रिलेटेड एक काफी बड़ी न्यूज है। तो इस वीक के तो एपिसोड हो चुका है, तो नेक्स्ट वीक का जो एपिसोड आने वाला है उसका एक प्रोमो देखने को मिला था, जिसमें एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है हसल में, जिनकी आवाज भी सुनाई गई। तो काफी लोगों ने गेस कर लिया कि वो बेला होने वाला है। तो जी हाँ भाइयों, नेक्स्ट वीक हसल 4 में बेला देखने को मिलने वाला है। तो बताओ आप लोग कितना एक्साइटेड हो। तो बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे का जो कल शो था, तो शो के दौरान एमीवे बताता है कि उनकी जो बजीज ईपी है उसमें एक ट्रिब्यूट ट्रैक है जो कि सिद्धू मूसेवाला के लिए। तो यहाँ पे आप लोग सुन लो उनका क्या कहना था। बता दो भाई। एक गाना है मेरा बजीज ईपी में जो सिद्धी पाजी के लिए ट्रिब्यूट है, और उसमें आप लोग को ऑलरेडी सिद्धू पाजी का गाया हुआ गाना है, उसको मैंने उसमें लिया है। सिद्धू पाजी का आवाज भी सुना गया था मेरा। सिद्धू नहीं, छोटे सिद्धू पाजी खैर, अब बात कर लेते हैं हनुमान काइंड के बारे में। तो हनुमान काइंड की कुछ पिक्चर्स देखने को मिली है स्लिम ठग के साथ में। इसके अलावा रफ्तार जो है वो कुछ स्टोरीज डालता है कैंसल। इसके अलावा ढांडा न्योले वाला अपने इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं। बादशाह कहता है आगे बढ़ो। तो ये स्टोरी क्यों आई है, तो जरा मैं आप लोग को बता दूं कि अभी कुछ कैंपेन्स चल रहे हैं बादशाह के खिलाफ, जिसमें कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करे जा रहे हैं कि बादशाह ने अभी इंडियन आइडल छोड़ दिया है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ट्रोल करा जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो ये फेक आर्टिकल्स थे, और जब पता करा गया तो ऐसा पता चला है कि ये फेक कैंपेन्स कोई रन करा रहा है बादशाह के खिलाफ। खैर, इक्का और रफ्तार का जो इंटरव्यू था जिसमें रफ्तार और इक्का ने बादशाह को गोट कहा था, तो ये रील आई थी इंस्टाग्राम पे। तो इस रील के नीचे बादशाह कॉमेंट करता है ब्रदर्स। इसके अलावा SOS का एक ट्रैक देखने को मिला है जिसका नाम है कफन। हाँ, आमिर ने रफ्तार और कर्मा का करता क्या है ट्रैक अपने एक पोस्ट में यूज करा था। तो इसी के साथ मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।